हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लाए हैं मैथ में। देखिए, एक चीता जितने समय में 5 छलांग लगाता है, उतने ही समय में एक हिरन 8 छलांग लगाता है। यदि चीते की 10 छलांग की दूरी हिरन के 14 छलांग की दूरी के बराबर हो, तो बताइए कि इस दशा में क्या चीता हिरन को पकड़ पाएगा। यह क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार है। देखिए, दोनों दौड़ रहे हैं, जंप कर रहे हैं। दोनों की स्थितियां ध्यान दीजिएगा, इसके 5 छलांग और इसके 8 छलांग लगाने का टाइम एक ही है, और इसके 10 छलांग के और इसके 14 छलांग की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो क्या करना है इस दशा में भाई, हिरन को पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे मेन चीज है कि दोनों की स्पीड का पता लगाना पड़ेगा, कि दोनों की स्पीड निकालेंगे, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसके अनुसार हम कहेंगे। चीते की स्पीड ज्यादा होगी तो हिरन को पकड़ लेगा, हिरन की स्पीड ज्यादा होगी तो हिरन भाग जाएगा, चीता उसका पीछा करते करते उसको पकड़ नहीं पाएगा। बस ये चीज ध्यान रखना है कि क्या निकालें, दोनों की स्पीड निकालते। तो अब स्पीड निकालते कैसे, देखिए बहुत ही मजेदार है। सबसे पहले यहां पर लिख दीजिए चीता, ये चीते का काम करते हैं इधर, और इधर है आपका हिरन। अब ये चीता, इसकी इसका टाइम और इसकी डिस्टेंस और इसके स्पीड निकालेंगे। तो देखिएगा, थोड़ा इसके 2 पार्ट करते हैं। ये चीते के लिए है, हिरन के लिए। चीते के 5 छलांग हैं, 5 छलांग हैं और 8 छलांग इसके हैं, और टाइम इक्वल है। तो माना चीता जो है 8 छलांग में, सॉरी 5 छलांग, छलांग मीन्स जंप, 5 जंप में जो है, माना 5 छलांग में कितना टाइम लेता है, समय बराबर टी टाइम लेता है। इसको टी सेकंड लिखो या कुछ भी लिख दो, टी लिखो फिलहाल है, सेकंड लिख दो चलो। और हिरन जो है, हिरन माना ये 5 में लेता है, तो ये उतना ही टाइम 8 में लेता है। तो 8 छलांग में, 8 छलांग में समय बराबर, इसमें भी टी टाइम इक्वल टाइम है, टी सेकेंड आ गया, ठीक हो गया। इतना आगे बढ़िए, 10 छलांग की दूरी और 14 छलांग की दूरी इक्वल है, इसके 10 छलांग की दूरी, 10 छलांग की दूरी इसको मान लेते हैं S, माना ठीक हो गया, इसको S मीटर मान लो, ये मीटर है, ठीक है, S मीटर है। अच्छा, यहां 14 छलांग की दूरी, 14 छलांग की दूरी बराबर, ये भी S मीटर ही भी S मीटर आ गया, क्योंकि 10 छलांग की दूरी चीते की, हिरन की 14 छलांग की दूरी इक्वल है। तो एक काम यहां पर करना है, देखिए मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कुछ रूल्स होते हैं, या तो हम समय के अनुसार बदलें इसको, या टाइम के, ये डिस्टेंस के अनुसार बदलें। तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, 10 छलांग की दूरी इतनी है, तो 5 छलांग का समय और 8 छलांग का समय इक्वल है ना, तो इसमें भी 8 निकालें और इसमें भी 5 निकालें, या 5 छलांग की दूरी निकालें और यहां 8 छलांग की दूरी निकालें, एक ही बात है, जैसा करना चाहते हैं। तो निकालिए 5 छलांग की दूरी में कितना टाइम लगेगा, 5 छलांग की, ये तो ऐसे है, तो 10 छलांग की दूरी निकालिए, 10 छलांग की दूरी, 10 छलांग की का समय, सॉरी 10 छलांग का समय निकालिए, 10 छलांग का समय, 5 छलांग का समय कितना था, टी है, तो 10 का कितना आ जाएगा, 2t आएगा भाई, 5 का कितना है, टी है, तो 10 छलांग का समय कितना है, 2t, तो इसकी चाल निकालिए,
चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है? दूरी है s और समय कितना है? 2t। ठीक हो गया। अब यहां पर 10 छलांग का निकाला तो यहां पे 14 ही निकालेंगे, इसमें भी ध्यान रखिएगा। तो 8 छलांग में समय t लगा तो 14 छलांग में समय कितना लगा दी? 14 छलांग में समय, देखिए ध्यान रखिए, ये तो डिस्टेंस अलग है, इसको छोड़ दीजिए, यहां इस वाले में ध्यान दीजिएगा। माना 8 छलांग में समय t लगा तो 14 छलांग में कितना लगा? 14 गुणा टी बटे 8। इसको इक्वल लिखिए कितना? 7/4, 7/4 टी आ गया, यानी 7t/4 कहेंगे इसको, उल्टा कहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। 70/4 इतना सेकंड लगा 14 छलांग लगाने में। ठीक हो गया। अब यहां पर 14 छलांग की डिस्टेंस, 14 छलांग का समय आ गया। देखिए 10 छलांग की डिस्टेंस, 10 छलांग का समय, ये किया ना। यहां पर भी चाल निकाल दीजिए, चाल बराबर आ जाएगा वही है दूरी बटे समय। चलिए जी, दूरी कितनी है? देखिए दूरी s है और समय कितना है? समय है 70/4। इसको 4 ऊपर चला जाएगा, 4s/70 आ गया। ठीक आ गया, ये चाल आ गया। अब क्या करें? अब निकालना है पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, ये देखो। तो इसके लिए हम इसका क्या निकालेंगे? पहले रेशियो निकाल लो, इसका अनुपात निकाल लो, उससे पता चल जाएगा। अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात निकाल लो। इसका अनुपात कितना है भाई? यहां पर अनुपात निकाल देते हैं, देखिए अनुपात निकालो। ये आ जाएगा कितना है? चीते की चाल, ये है चीते की चाल, s/2t रेशियो 4s/70। एस से एस वन टाइम कटा, एस से एस, और टी से ये टी कट गया। तो इसी को हम लिखते हैं 1/2, 1/2 रेशियो 4/7। ठीक आ गया। अब क्या करेंगे? ये रेशियो में ध्यान दीजिएगा, इसको यहां कर दीजिएगा, तो ये आ गया आपका 7, तो इधर आ जाएगा 7/4 × 8 आ गया। बस अब इससे क्या हुआ? 7 पहले कौन था? पहले हमने किसका लिया था? s/2t, यानी किसका लिया था? चीते का। ये चीते का है, ये हिरन का है, चीता हिरन, चीता हिरन। तो चीते की चाल कितनी आ गई? चीते की चाल आगे ध्यान दीजिएगा, चीते की स्पीड, स्पीड कहो या चाल कहो, एक ही बात है, 7 m/s आ गई। अगर 7 m/s मानते हो तो 7 m/s। और यहां हिरन की कितनी आ गई भाई? हिरन की स्पीड 8 m/s आ गई। ठीक आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्या चीता हिरन को पकड़ पाएगा? चीते की स्पीड कितनी है? 1 s/7 चल रहा है, और हिरन क्या चल रहा है? 1 s/8 चल रहा है। कौन तेज चल रहा है? हिरन। तो क्या चीता पकड़ पाएगा? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? नो, नहीं पकड़ पाएगा, चीता हिरन को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि हिरन की स्पीड चीते की स्पीड से ज्यादा है। तो डियर फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आया करते हैं। आप देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, और बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को, क्योंकि हम प्रयास करते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ जाता है उससे। तो आपको बहुत बहुत इसके लिए थैंक यू है। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो उसको कर दीजिएगा, और
बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के नए इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स के इस तरह के बिल्कुल एकदम डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिलते रहेंगे और इनको देखेंगे तो आप मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच।